वेलकम गाइड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का वीडियो डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम बीमारियों के बारे में, उसकी लक्षणों के बारे में और उस बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टरों को द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में जानेंगे। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में जिस बीमारियों के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, इसलिए पूरी वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है या वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं हूं शुभंकर, आप देख रहे हो अपना चैनल शुभो हेल्थ केयर। तो चलिए आज कुछ नए सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मलेरिया फीवर से आप लोग पहले से ही परिचित हैं। हम फर्स्ट देखेंगे मलेरिया क्या होता है और कैसे होता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों में मौजूद वायरस की वजह से हो जाता है। ये वायरस इतना छोटा होता है कि हम खाली आंखों से उनको नहीं देख पाते हैं। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। एनाफिलेक्सिस नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से हमारा शरीर का खून में ये वायरस संक्रमित हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका लक्षण क्या है। बहुत तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, उल्टी का मन होना, ठंडा लग के बहुत तेज बुखार आना, चक्कर आना, थकान होना, पेट में दर्द होना, तेज से सांस लेना भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम इसकी बचाव के बारे में एक नजर डाल लेंगे। इस रोग से बचने के लिए घर के आसपास गंदगी और पानी इकट्ठा ना होने दे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ठहरे हुए पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं, तो बरसात शुरू होने से पहले ही घर की आसपासों की जो नालियां है उसमें साफ सफाई करें और टाइम टाइम से उस पे कीटनाशक दवाओं की छिड़काव करें ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो पाए। दोस्तों, अब हम देखेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा दिए गए मलेरिया का ट्रीटमेंट। दोस्तों, मलेरिया साधारण तो दो प्रकार की होते हैं, एक है प्लाज्मोडियम विवेक्स और दूसरा फैल्सिफेरम। हम पहले देखेंगे फैल्सिफेरम का ओरल डोज के बारे में। हम पहले देखेंगे प्लाज्मोडियम विवेक्स जो मलेरिया है उसको क्या ट्रीटमेंट हमारा विशेषज्ञ द्वारा दिए जाते हैं। साधारणतः इसके लिए दो दवाई दिए जाते हैं, एक है लेरिएगो डीएस जो 500 एमजी का टैबलेट आते हैं, फर्स्ट डोज दिया जाता है 1000 एमजी, उसकी 6 घंटे बाद में 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट, उसकी 24 घंटे बाद यानी दूसरे दिन फिर 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट, उसके तीसरे दिन यानी फिर 24 घंटे बाद 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट, उसके बाद में दिए जाते हैं मैलेरी डीएस 15 मिलीग्राम की टैबलेट, एक टैबलेट एक दिन में 15 से 20 दिन तक दिए जाते हैं। हमारा सेकेंड नंबर का जो मलेरिया है उसके लिए दिया जाता है लुमिरेक्स 80 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 3 दिन का डोज दिए जाते हैं। पहले दिन दिया जाता है 80 एमजी का एक टैबलेट, उसके 8 घंटे बाद 80 मिलीग्राम की एक टैबलेट, उसकी 24 घंटे बाद 80 मिलीग्राम की एक टैबलेट। उसकी सेकेंड डे से शुरू किया जाता है मलेरिया डीएस नाम से एक टैबलेट, उसको भी एक हफ्ते से 10 दिन तक दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी दवाई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं
तो हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।